हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज इस छोटे से वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की बुक बी हाइप के लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का वर्ड बाई वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे. ओके, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश बाई एस गोस्वामी. आइए शुरू करते हैं. रश आवर, भाग दौड़ का समय. क्राउड्स, भीड़ के लिए. जोस्लिंग, धक्का मुक्की करते हुए. फॉर पोजिशन, स्थान के लिए. ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, रेलवे के भूमिगत प्लेटफॉर्म पर. अ स्लाइड गर्ल, एक छोटी सी पतली दुबली लड़की. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 वर्ष की जो उसकी उम्र है उससे भी छोटी प्रतीत होते हुए. वाज नर्वस, डरी हुई है, घबराई है. येट एक्साइटेड, फिर भी उत्साहित है. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, क्योंकि वो फेल्ट माने अनुभव कर रही है, वाइब्रेशन माने कंपन का. ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के अप्रोचिंग आने का. इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन है. एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी म्यूजिक इन लंदन, लंदन में स्थित संगीत के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में पहला दिन है. फॉर एनी टीनेजर, किसी भी नए कलाकार के लिए. फ्रेश, जो कि बिल्कुल पहली बार आया है. फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटलैंड के फॉर्म से. बट दिस, लेकिन ये एस्पायरिंग उभरती हुई म्यूजिशियन माने संगीतकार. फेस्ड, अनुभव कर रही है, फेस कर रही है बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का. देन मोस्ट, बजाय दूसरे लोगों के. शी वाज प्रोफाउंडली डीफ, ऐसा इसलिए कि वो सुन नहीं सकती, इस वजह से उसके लिए कंपटीशन और भी टफ हो गया है. ओके, एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग. एवेलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे कम होती गई. हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है. नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, जब उन्होंने ध्यान दिया कुछ गलत हुआ. व्हेन द 8-year-old एवेलिन, जब 8 साल की एवेलिन वॉज वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी. टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने की बारी का. दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा. एंड शी डिड नॉट मूव, और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. आई सडनली रियलाइज्ड She had not heard. तब मुझे suddenly means अचानक, realize मैंने अनुभव हुआ कि वह सुन नहीं सकती. Says, कहती हैं Isabel Glenney, जो Evelyn की mother हैं. For quite a while, काफ़ी समय तक Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. एवेलिन ने कौंसिल माने छुपाना, मैनेज माने बनाए रखा या व्यवस्थित रखा. काहे का? ग्रोइंग डीफनेस, उसके बहरेपन के बढ़ने का, अपने दोस्तों से भी और अध्यापकों से भी. बट बाय द टाइम शी वाज 11, जब वो 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स, उसके नंबर हैड डेटेरियोरेटेड. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. जब उसके नंबर एग्जाम्स में कम होने लगे, तब उसकी हेड मिस्ट्रेस या मुख्य अध्यापिका ने उसके पेरेंट्स से अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट की कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं. इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तभी ये पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उनके सुनने की शक्ति बहुत ख़राब है. एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, लगातार उसके स्नायु खराब होते गए हैं. देवर एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसकी सुनने की शक्ति तभी काम करेगी जब श्रवण के अंतर लगाए जाएं. एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के विद्यालय में पढ़ने भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन, एवेलिन बताती है. तब उसे चारों ओर निराशा ही दिखाई देने लगी. बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन आसानी से हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय किया. टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक सामान्य जीवन ही जिएगी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में जो उसकी रुचि है उसी ओर वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन, एक दिन उसने ध्यान दिया, एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही थी. एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाएगी या ज़ाइलोफोन बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बहुत से उसके जो अध्यापक थे, डिस्करेज्ड हर, उसका हौसला कम किया, उसे हतोत्साहित किया.
बट हर परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक ढोल बजाने वाले रॉन फोर्ब्स ने उनकी योग्यता को पहचाना। ही बिगिन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उसने दो ढोल अलग अलग तालों पर बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ही वुड से वो कहते थे। ट्राई टू सेंस इट सम टोहर वे, किसी और तरीके से इन चीज़ों को महसूस करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली अचानक आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं जो बड़ा वाला ढोल था उसको अपने कमर के ऊपर के हिस्से से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे वाले ढोल को कमर के नीचे के हिस्से से महसूस कर रही थी। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्स ने इस एक्सरसाइज को लगातार जारी रखा, एंड सून शीघ्र ही एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने इस चीज़ को खोज की, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो शरीर के अलग अलग भाग से अलग अलग नोट्स या सुर को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न्ड, मैंने सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को खोलना, टू साउंड्स ध्वनि के प्रति, एंड वाइब्रेशन या स्पंदन के थ्रू, कंपन को मैं महसूस करने लगी थी अपने मस्तिष्क से और अपने शरीर से। ओके, द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और जो बाकी का काम था वो सिर्फ संकल्प से और परिश्रम से ही पूरा होना था। तो दोस्तों, कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा? बाकी कहानी अगले पार्ट में हम देखेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।